जनाब आज लाहौर के फूड कोर्ट में कौन से वाले, दैट इज़ लाहौर फोर्ट फूड कोर्ट, जो कि वन ऑफ द टॉप मोस्ट फूड कोर्ट्स में आता है पाकिस्तान के, और इसी वजह से आता है क्योंकि यहाँ पे मिलती हैं ज़बरदस्त चीज़ें। सबसे पहले हम ले रहे हैं जनाब ये मीठे लच्छे, आप कह लें इसको, गुड़िया के बाल कुछ लोग कहते हैं, और वैसे इसको कैंडी फ्लॉस कहलाता है। ये इन्होंने बड़े मज़े से चीनी डाल डाल के जो है वो बनाया था, वाइट कलर की कैंडी फ्लॉस थी और 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से हमने यहाँ से परचेज़ किया। आगे चले तो जनाब आपको मिलेंगी बेतहाशा हैंडीक्राफ्ट्स की लाइन से छोटे छोटे इस तरह के स्टॉल्स, जिनमें आपको मिलेगा पूरी पाकिस्तान की सकाफत समाई हुई है, जहां से आप बहुत खूबसूरत सुवेनियर्स ले सकते हैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए और फॉरेनर्स के लिए, अगर आपको किसी को गिफ्ट करना हो। ज्वेलरी बहुत सुपर्ब अमेजिंग, मुझे तो ऐसी ज्वेलरी वैसी बेतहाशा पसंद है। तो मैंने यहाँ से ख़रीदा था एक नेकलेस, कुछ फ्रिज मैग्नेट्स, क्योंकि उस टाइम जल्दी मैं ये ले सकती थी। और जुड़े रहिएगा लास्ट तक इस व्लॉग में साथ हमारे, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे अलादीन का चिराग। जी हाँ, यहाँ मिलता है अलादीन का चिराग भी। तो जनाब वीडियो कंटिन्यू करते हैं, और हमने की थी थोड़ी सी ये गन शॉट, जो बलून फोड़ते हैं, बहुत एक नॉमिनल से इसके चार्जेस थे, कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो बच्चों ने अपना शौक़ पूरा किया। पुतली तमाशा देखने को मिलेगा, वो भी मैं आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी, हमने देखा जनाब आली। जीत गए हमसे रिवाज रेस्टोरेंट वाले, सब लोग अपनी पिच दे रहे होते हैं, सारे वेटर्स आके आपको बुला रहे होते हैं, और हम पहुँच गए रिवाज के रूफ टॉप के ऊपर, जो कि था थर्ड फ्लोर पर। लिफ्ट है यहाँ पर मौजूद, आप आराम से जा सकते हैं। यहाँ से पूरा आपको बादशाही मस्जिद का व्यू बहुत खूबसूरत नज़र आता है रात को स्पेशली। वैसे तो फूड कोर्ट खुलता ही रात को, ठंड बहुत थी यहाँ पे, हमने हीटर्स चलवाए, इनके अंडर द टेबल हीटर्स थे, तो ये फैसिलिटी मौजूद थी यहाँ पे। ये इनका तमाम मेन्यू है जैसे कि आप देख रहे हैं, और इनके पास हर तरह का फूड मौजूद है। जाना हमें हवेली था, लेकिन हुआ ये कि वो रिवाज वाले जो है वो पहले हमें मिल गए शॉप से टर्न करते के साथ ही, तो उन लोगों ने हमें जो है वो घसीट के, कहते हैं ना, ले गए, नहीं जी भाई जी आपने तो हमारे ही रेस्टोरेंट जाना है। तो हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। मज़े की बात ये कि यहाँ पे लेडीज़ वेटर्स मौजूद थी। ये आप एक पूरा एक ओवरऑल व्यू देखें फूड कोर्ट का, ये इस तरह का है वहाँ का, और ये साथ ही बिल्कुल इसके बादशाही मस्जिद है। खाना हमने मंगवाया था, चाउमीन मंगवाया था, टकाटक जो कि हम कड़ाकट कहते हैं कराची वाले, लाहौरी चरका विद राइस, और हमने मंगवाई थी मलाई बोटी फ्राइड राइस विद मंचूरियन। ये था हमारा कंप्लीट ऑर्डर, और उसके साथ हमने गार्लिक बटर नान भी जो है वो मंगवाए थे। टोटल बिल हमारा बना 7,010 रुपये का। पुतली तमाशा ज़रूर देखें, जो लोग भी यहाँ पे आए उनको बड़ा मज़ा आएगा। आप अगर किसी को 200-300 रुपये उसकी मेहनत के दे देंगे तो क्या चला जाएगा, 1,000 रुपये का खाना खाने के बाद ये कोई भी अहमियत नहीं रखता। ये वहाँ का बाहर का मंजर है, नीचे हम उतर आए हैं, रेस्टोरेंट से फारिग हो आए हैं, ठंड बढ़ गई है क्योंकि रात 8 बजे खुलता है और 11:30-11 बजे फूड कोर्ट बंद हो जाता है। हमें नज़र आ गया पान, मीठा पान, जी हाँ, और मीठा पान की मैं हूँ शहदाई, तो हम रुक गए वहाँ का एक ज़बरदस्त सा फुली लोडेड पान खाने के लिए, जो कि उसने हमारे सामने बनाया, और भाई देख के बड़ा मज़ा आया। मैंने इसका थोड़ा सा वीडियो भी रिकॉर्ड किया, पहले वो कत्थे वाला बना रहा था, मैंने उसको कहा नहीं मैं कत्थे वाला नहीं खाती, फिर उसने कत्थे वाला हटा के मेरे लिए प्लेन बनाया था, और मेरी रानी के लिए कत्थे वाला बनाया था क्योंकि वो वैसी खाती हैं। और फिर उसने उसमें डाली बहुत सारी खुशबुएँ और सौंफ और कलर्स और चॉकलेट और पता नहीं क्या क्या, मतलब जो कुछ अवेलेबल था ना, वो इसका नाम था शाही मीठा पान, तो वो उसने हमें ये शाही मीठा पान बना के दिया। और ये पान जो था वो भी शायद 100 रुपये का ही था, मुझे ठीक से याद नहीं है अब इसकी प्राइस क्या दी थी हमने, बट इट वाज रियली वर्थ इट। जो यहाँ पे आए वो ज़रूर इसको ट्राई करें, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपको मज़े दे रही होती हैं ज़िंदगी के। फिर थे जनाब ये चाय वाला, जो मैंने सबसे पहले आवाज़ लगाई थी, इनके पास आपको चाय शेक्स डिफरेंट तरह के दूध मिल जाएंगे। फिर थे जनाब ये गोल्ड मैन, जिनके साथ आप पिक्चर्स खिंचवा सकते हैं, इनको ऐसा टिप कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। इसके बाद हम बाहर निकल रहे हैं जाने के लिए। तो जी कैसा लगा आपको व्लॉग फूड कोर्ट का आज का बड़ा क्विक सा, ज़रूर बताइएगा, मुझे बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ में मैं अब आपको दिखाती हूँ अलादीन का चिराग, जिसकी मैंने बात की थी, ये यहाँ पर मिल रहा था स्टॉल के ऊपर। तो जनाब कैसा लगा आपको व्लॉग आज का ये क्विक सा फूड कोर्ट का। जब लाहौर जाएं, जो भी लाहौर जाए वो लाजमी इस जगह को विज़िट करें, हाईली रिकमेंडेड, बहुत मज़ेदार जगह है। इजाज़त चाहती हूँ अगले व्लॉग तक के लिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अनिला रज़ा को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।